7 जून को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। तो जो प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक जो सबसे बड़ा दल है वो अपना जो नेता है उसे चुनती है, और उसके बाद में जो है एनडीए गठबंधन की बैठक होगी, उसके अंदर नेता चुना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास दावा पेश किया जाएगा। इस खबर पर सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र का। रविंद्र, अब आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है? बीजेपी संसदीय दल की बैठक कब होनी है, एनडीए के संसदीय दल की बैठक कब होनी है? देखिए, पहले तो कैबिनेट की बैठक हुई, 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री का अभिनंदन भी किया जाएगा, प्रधानमंत्री का उसमें उद्बोधन भी होगा। 4 बजे एनडीए की बैठक है जिसमें एक मंच पर आने की कोशिश की जाएगी, एक पोस्टरिंग होगा कि सब हम एक हैं। अब 7 जून को 2 बजे के आसपास संसद भवन में पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, बीजेपी संसदीय दल में नेता चुना जाएगा, जैसा कि 2014, 2019 में आपने देखा, और फिर एनडीए के जो संसदीय दल के नेता के तौर पर भी प्रधानमंत्री को चुना जाएगा। बिल्कुल, एनडीए के सभी घटकों के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके पहले ही बता दें कि उनको इस्तीफा भी देना है, तो दावा और इस्तीफा दोनों एक प्रक्रिया है जो पूरा की जाएगी। जी, और बिल्कुल रविंद्र, ये तो हुई प्रक्रिया की बात। Z News.